उसके बाद ये जो आप प्रिडिक्शन की बात कर रहे थे, फोरकास्ट जो वेदर डिपार्टमेंट की है, हमारे वेदर डिपार्टमेंट के पास अपना सेटेलाइट नहीं है। हम जो पाकिस्तान का वेदर डिपार्टमेंट है, जो मौसमियात का महकमा है, वो दूसरों से जो है वो डेटा लेते हैं, यानी उनके पास रियल टाइम डेटा नहीं है किसी भी किस्म का। तो उसके बाद जो प्रेडिक्शन है, आप अगर यूएस में देखेंगे तो वो एक दिन की प्रेडिक्शन या तीन दिन की प्रेडिक्शन, एक हफ्ते की, एक महीने की, छह महीने की, इस मौसम की, पूरे साल की और दस सालों की, एक उनके पास एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो होती हैं। हमारे पास जब ये नहीं है और दूसरा ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसके बाद इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं। अब देखें, आप अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान भी हमारे थर जैसा है, वहां भी सीवियर इसी तरह ड्राउट आते थे। 1974 में उनकी कैबिनेट बैठी, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो उसके बाद एक डिसाइड हुआ, जो हमारी दो रिवर्स तीन पे उन्होंने कब्जा किया था, उससे एक कैनाल निकाला, इंदिरा गांधी कैनाल, और ले जाकर राजस्थान में छोड़ दिया और उनको कहा कि आज के बाद आपकी कहता है या जो भी है, हम आपको ना कोई गंदम देंगे ना कुछ। उसके बाद राजस्थान में कोई कहत नहीं आता, क्योंकि पानी पहुंचा दिया। हम किसके दरिया पे कब्जा करें और कहां से नहर निकाले? नहीं देखें, नहर मैंने आपको बताया कि अगर थरकोल के लिए नहर निकले जा सकती है, तो अगर हम इस एग्रीकल्चर में से कुछ पानी उठा के दो नहर, अगर एक नहर ही निकाल के अगर उनको पानी दे दें, तो ये कोई हर साल हमें ना गंदम देनी होगी, ना हमें ये रोज कोई ड्रामे करने होंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी ना, नाम कैसे आएगा? नाम हिस्टोरिकली, जिसको भिटाई ने अपनी शायरी में भी गाया है, आप श्रीलंका सिंगापुर में जो लोग माइग्रेट करके गए थे कई सदियां पहले, अगर अभी आप उनसे मिलें तो वो बताएंगे कि यहाँ से घी के और शहद के जो है वो शिप्स जो हैं कंटेनर्स भर के जाते थे यहाँ से, यहाँ पे जो डेल्टा से। तो मेरे पास एक गजेट है, क्योंकि अंग्रेज हर जगह को कैलकुलेट करते थे, तो 1929 की एक गजेट है जिसमें जो गंगा नदी का जो डेल्टा है गैंजिस का, सुंदरबंस जो बांग्लादेश में है, जो मैं देखकर भी आया हूं, तो वो उससे रिवर इंडस डेल्टा जो है 10 गुना बड़ा था, और पिछले साल सुंदरबन से 1,60,000 मेट्रिक टन सिर्फ शहद निकला है। उसके बाद गूंद निकलता है, उसके बाद कई इकसाम के परिंदे हैं, उसके बाद जो है वो टूरिज्म, इको टूरिज्म वहां पर होता है, तो जीडीपी में सुंदरबन का बांग्लादेश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पानी का मसला जाहिर है, ये तो एक वो, देखिए इस तरह की मिसमैनेजमेंट इतने बड़े लेवल पर मुझे नहीं नजर आती किसी मुल्क में। हम तो अय्याशी कर रहे हैं ना, यानी हम लुटा रहे हैं। हाँ, टॉप पर मुझे लगता है कि हम लुटा रहे हैं। हाँ, कि पानी जो है वो हर जगह से हम जो है उस तरह लुटा, जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ है वहाँ लुटा रहे हैं। और उसके बाद आप देखें ना, आप शादी हाल के बाहर जाएं, कितना राइस और कितना फूड वेस्ट होता है। पाकिस्तान के जो 26-27 बड़े शहर हैं, उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वो सारा का सारा पानी ईमानदारी से अपना गंदा पानी वो दरियाए सिंध में या किसी दरिया में डालते हैं। हमने अपने पूरे वेटलैंड्स जो हैं, मच्छर लेक जो एशिया की सबसे बड़ी जो थी मीठे पानी की, उसको हमने उसके अंदर कड़वा कर दिया पानी, उसका एग्रीकल्चर वेस्ट डाल जहरीला कर दिया, कड़वा, उसमें आरबीओडी लाकर डाल दिया उसके अंदर, तो वो खत्म हो गई। किंजर झील जो हम पानी पीते हैं कराची में, वो कोटड़ी से शुरू होता है, उसके अंदर कोटड़ी की जो इंडस्ट्रीज है उसका पानी जाता है, फिर नूरियाबाद का पानी जो है वो वहां पर जाता है।